पेड़ पौधों की कटाई कटाई अच्छा छटाई छटाई ओके ठीक है, काफी फैल चुका है। अंधाधुंध हो रहा है। हाँ हाँ, बारिश हो रही है ना बहुत ज्यादा। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। आज मेरे घर में त्यौहार के दिन देखिए क्या काम लग चुका है सुबह सुबह, क्योंकि मुहूर्त तो दिन का है, दोपहर से ही शुरू होना है, तो तब तक ये कुछ कटाई छटाई शुरू हो चुकी है। तो मैंने सोचा आज रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखा देती हूँ आज का क्या काम है, और इसके बाद होगा मेरा काम शुरू। तो अभी तो मैं बस यहाँ खाली खड़ी हूँ, फ्री हूँ अभी। ये किनारे लगा दीजिए, इसके बाद इसको कूड़े वाले को दे देंगे, कूड़े भर के चले जाएंगे। इस मौसम में तो वैसे भी इतना पेड़ पौधा निकलता ना, सब कूड़े वाले को। हाँ, प्लॉट में फेंक दीजिए या कूड़े वाले को दे दीजिए, कूड़े वाला अगर ले गया तो ठीक है। बगल में भी वैसे झाड़ियाँ ही हो रही हैं, फेंक भी सकते हैं। अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा दिख रहा है, कम से कम मेरे ये पत्थर दिखने लगे। कितने टाइम से सोचा इनको पेंट करने का, पेंट नहीं कर पाते, करेंगे भी नहीं, अभी वहीं रहने देंगे हरे हरे। वैसे भी हरा ग्रीन कलर तो हो ही गया। कबीर को अब नहा कर तैयार होना है, वो नहाएंगे तैयार होंगे, और ये अपनी स्पेशल चाय खुद बनाते हैं, अपनी इस स्पेशल चाय को बैठकर पिएंगे। इसमें काफ़ी सारे मसाले डालते हैं, काफ़ी सारे क्या, 3-4 मसाले, और उसमें नींबू का थोड़ा सा कुछ बूंदे गिराते हैं, और आधा जब चीनी भी होती है तो ये स्पेशल चाय हो जाती है इस तरीके से। और चाय पीने के साथ ही कर रहे हैं दीदी का वेट, ताकि इनको राखी बांधी जा सके। और मैं चलती हूँ चाय पीने के बाद, कुछ सेवइयाँ वगैरह जो ज़रूरी होती हैं बना लेती हूँ। बाकी खाना तो आपको इसमें नहीं दिखाने वाली, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन सेवई हमारे घर में बहुत ज़रूरी होती है राखी वाले दिन बननी, तो इसको बनाऊंगी मैं इस तरीके से। पहले रोस्ट करूंगी इसे, वैसे ये रोस्टेड ही है लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लूँगी। और मैंने दूध इसके लिए उबलने के लिए रख दिया है, तो जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो बहुत साधारण तरीके से इसको बनाया जाता है। बहुत जल्दी बन जाने वाली सिवई है, क्योंकि ये महीन काफ़ी पतली होती है, इस तरीके का लॉन्ग कट में आता है, ये रोस्टेड सिवैयाँ होती हैं ये। तो बस दूध में उबाल आने वाला है, इसमें मैं डालूँगी फिर आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर और थोड़ी सी चीनी, जो अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से, कभी कभी ज़्यादा मीठा खाना है तो ज़्यादा चीनी डाल लेती हूँ, फीका खाना है तो फिर फीका बना लेती हूँ, कम चीनी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से कोई भी मीठा अपने मन मुताबिक तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने इलायची पाउडर तो डाल दिया है, और आधी कटोरी डालूँगी चीनी, क्योंकि दूध उतना ज़्यादा नहीं है, सेवइयाँ थोड़ी सी ही बना रही हूँ बस 4-5 लोगों के लिए। तो ये हो गई चीनी, अब बस इसमें उबाल आने देते हैं, और उबाल आने के साथ मैंने रोस्ट करके जो सिवई रख ली है इसमें उसे डिप करके रख देंगे ढककर 1 घंटे के लिए। तो इसमें बस उबले हुए दूध में सिवैयाँ बारीक होने की वजह से अपने आप से पक जाती हैं और गाढ़ी भी हो जाती हैं ठंडे होने के साथ साथ। तो बस मैं इसमें कोई सेम आंच पर इसे पकाऊंगी नहीं, कवर करके रख दूंगी। सेम आंच पर जब मैं मोटी वाली सिवई कभी बनाती हूँ, जो कि बहुत कम बनाती हूँ, तो उनको ही थोड़ी देर के लिए पकाया जाता है। बस मैंने इनको ढककर रख दिया था, और मैंने थोड़ा सा जल्दी ही खोलकर आप लोगों को दिखाया है इसमें आधे घंटे में। तो ये करीब इतनी पक चुकी हैं, थोड़ी सी थिक होने लगी हैं, और अभी ये बिल्कुल जब ठंडी हो जाएंगी तो थोड़ा सा और भी गाढ़ापन आ जाएगा। दीदी आ चुकी हैं और कबीर बैठ चुके हैं राखी बंधवाने के लिए। मैं भी अभी राखी बंधवाऊंगी, और दीदी के लिए भी राखी है रखी हुई है, तो दीदी को भी राखी बांधी जाएगी। लक्ष्य अभी सोया हुआ है, उसे बीच में उठा कर लेकर आती हूँ, और उसके बाद उसको राखी बंधवानी होगी।
तो आप देखिए कि हमारे घर में किस तरीके से राखी बांधी जा रही है, और कुछ फ़ोटो शूट करेंगे उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब राखी का टाइम हो चुका है और यहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं और मैं किचन में अपना काम ही करती रह गई। खाना मेरा पूरा नहीं बन पाया था और तब तक मैं आ गई थी दीदी, और मैं बस यहाँ पर इनको बैठा कर गई हूँ। यहाँ पहले कभी भी राखी हो रही है, फिर हम आपस में भी राखी बांधेंगे, क्योंकि ननद भाभी को राखी बांधती है और भाभी ननद को राखी बांधती है, तो वो भी हमारे रिवाज में जल्दी आ रही है। ठीक है, बेकार क्या ना, जैसी शक्ल जैसी होगी वैसी आएगी उसमें। हाँ तो ठीक है ना, सर पे तो वो डाल लेते रुमाल। एक केला दो केला पे बालों में।